आगे हम बढ़ेंगे कि और किस बेसिस पे अपन फूड को डिवाइड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन देयर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में वो किस तरीके से फंक्शंस करते हैं या फिर क्या फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर कर रहे हैं, इसके बेसिस पे अपन फूड को डिवाइड करते हैं। जैसे बॉडी बिल्डिंग फूड, कुछ फूड ऐसे हैं जिनसे हमारी बॉडी बिल्ड होती है, ठीक है। यदि हमें बॉडी की ग्रोथ करनी है, बॉडी को बनाना है, तो उसके लिए हमें वो फूड कंज्यूम करने होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मिलती है, तो उसे अपन एनर्जी गिविंग फूड कह देते हैं। कुछ फूड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शंस हो गए आपके, ठीक है, बाहर से कोई भी आ जाता है फॉरन पार्टिकल, उससे प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं। एक एक की हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स की। तो बॉडी बिल्डिंग फूड हैं, तो पहले हमने देखा बॉडी बिल्डिंग कंटेंट्स कौन सा होता है, प्रोटीन होता है। तो ऐसे फूड हमें यहाँ पर लेने होंगे जिनके अंदर प्रोटीन रिच होते हैं, जो फूड, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। जैसे कि मिल्क हो गया आपका, मीट हो गया, फिश, एग्स, इटीजी, ये सब क्या है, प्रोटीन रिच फूड हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलती है और प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करने के काम आती है, ठीक है। हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि आपके मसल्स हैं, बोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, जो कि मेंटेन रहते हैं या फिर बनते हैं किससे, प्रोटीन से मिलकर बने हुए, मसल से मिलकर बने हुए हैं। और ये सारी मसल्स किनसे मिलकर बनी हुई हैं, प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं, ठीक है। द फूड इन दिस ग्रुप आर प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, थ्रू सीरल्स आल्सो फर्निश प्रोटीन्स, ठीक है। तो इनके अंदर जो फूड सोर्स अपन रखेंगे वो कौन से होंगे, जो कि प्रोटीन के सोर्स होंगे, ठीक है। अब यदि हम इनके सोर्स की बात करें, तो जैसे लेग्यूम्स, आपकी दालें हो गई, मटर हो गए, बीन्स हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए, कैश्यू हो गए, आलमंड्स, कोकोनट मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, एग, फिश, मटन, चिकन, पोर्क, ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके प्रोटीन रिच फूड हैं। और प्रोटीन रिच हैं तो सीधी सी बात है बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर अपन इन्हें रखेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स प्रोटीन बोथ फ्रॉम द वेजिटेबल्स एंड एनिमल फूड ग्रुप, यानी इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स भी आती हैं, जैसे कि आपकी दालें हो गई, यानी शाकाहारी भी आते हैं, और कुछ एनिमल फूड ग्रुप भी इसके अंदर रखे जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं एनर्जी गिविंग फूड, यानी ऐसे फूड जो कि हमें सिर्फ एनर्जी देते हैं। तो हमने पिछले अभी बात की थी पहले कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो किस फूड को हमें यहाँ पे रखना होगा, तो ऐसे फूड को रखना होगा जो कि रिच हो किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर और साथ ही साथ फैट्स के अंदर। तो फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स वो क्या कहलाएंगे, एनर्जी गिविंग फूड्स के अंदर अपन उसे रखेंगे। जैसे कि सीरियल्स हो गए, अनाज जितने भी हैं, जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, ये सारे जौ, ये सब किसके अंदर आते हैं, एनर्जी गिविंग फूड के अंदर रखते हैं। इसके अलावा गन्ने, रूट्स, ट्यूबर्स, फैट्स, ऑयल्स, ये सारे हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। द बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर ऑल वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, 50-70% ऑफ एनर्जी वैल्यू प्रोवाइड बाय कार्बोहाइड्रेट। पिछले भी हमने स्लाइड में बात की थी कि 50-70% जो एनर्जी है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, बाकी की एनर्जी हमें फैट या फिर प्रोटीन से मिल जाती है। ऑल द फूड्स बिलोंग इन दिस ग्रुप हेल्प टू सप्लाई एनर्जी और कैलोरीज, यानी एनर्जी सप्लाई करने के लिए इसके अंदर फूड हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर हमने बात कर ली थी, राइस हो गए, पोटैटोज हो गए, स्वीट्स, शुगर, ये सारी हमें क्या प्रोवाइड कराती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है। चलिए आगे देखते हैं अपन प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में, यानी कि ऐसे कौन से फूड हैं जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं अगेन इन्फेक्शंस के बारे में। देखिए तो एक तो प्रोटीन रिच होने चाहिए वो फूड, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट मिल्क हो गया, एग्स हो गए, फ्रूट्स, मिल्क, ठीक है, एग्स, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टिव फूड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, यानी दो ग्रुप के अंदर अपन इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से हैं, फूड रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, एग्जाम्पल मिल्क, एग एंड लिवर, ठीक है, और फूड रिच इन सर्टेन विटामिन एंड मिनरल्स ओनली, एग्जाम्पल हो गए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी कि एक ग्रुप तो अपन ऐसा बनाया है इनके अंदर प्रोटेक्टिव फूड के अंदर, जो कि विटामिन भी, जिसके अंदर विटामिन भी है, मिनरल्स भी, और साथ ही साथ प्रोटीन भी है, और इनकी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हमें विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स मिलते हैं, जिसके अंदर हम रखते हैं बेसिकली नॉन वेज को, ठीक है। जितने भी नॉन वेज चीज़ें होती हैं, जैसे आपका एग्स हो गए, चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि जो प्रोटीन है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इनकी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हमें देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरा हमने ग्रुप ऐसा रखा जिसके अंदर कम मात्रा में विटामिन हैं, कम मात्रा में मिनरल्स हैं, और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन हमें देखने को मिलती है। जैसे हमारे जो वेजिटेरियन हैं, वीगन्स होते हैं, जो कि सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं या फिर फल सॉरी फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टिव फूड के अंदर अपन रख सकते हैं।